So, दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत एंड नेपोटिज्म इज अ हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक एंड फुल ऑफ स्पेकुलेशंस। आज जो बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ वो जरूरी नहीं कि बाकी लोग भी करें, क्योंकि बैलेंस बातें जो लोग करते हैं उसमें मसाला थोड़ा सा कम होता है, तो लोग ये टॉपिक्स पे बात करना अवॉइड करते हैं। वी आर ऑल सैडेंड बाय सुशांत्स डेथ। ही एंटरटेन्ड अस विद हिज मूवीज एंड गुड बिहेवियर ऑन स्क्रीन। चचोरों में तो उन्होंने दिल ही जीत लिया क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे लाइफ लेसन बताए। अ ब्राइट स्टार एंडेड हिज लाइफ एंड ओपन्ड अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस अबाउट हिज एक्सट्रीम स्टेप। हिज फैंस इंक्लूडिंग मी वॉन्टेड टू नो अबाउट व्हाट हैपेंड, क्या हो गया था। सब में थोड़ा गुस्सा भी था बिकॉज ऑफ हिज सडन डेथ। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सबका एक ही सोर्स है, सब लोगों ने मीडिया की तरफ देखा, टीवी चैनल्स, इंटरनेट और खासकर टीवी, बिकॉज लाइव न्यूज वहीं पर कवर होती है। तो उन्होंने भी कोई स्टोरी कुक करनी शुरू करी जिसका कोई वैलिडेशन तो नहीं था, बट सबने अपने अपने अंदाजे मारने शुरू कर दिए। सो इट ऑल स्टार्टेड विद सम फाइनेंशियल ट्रबल दैट ही माइट बी फेसिंग टू समथिंग रिलेटेड टू डिप्रेशन, और उसके बाद नेपोटिज्म की भी बात शुरू हो गई। किसी के पास कोई प्रूफ तो नहीं था, बट सब लोग इसके बारे में बात करना शुरू कर चुके थे। Media added to the speculation by calling the flop stars on some news panels, and suddenly in actors जो कि पैनल में बैठे हुए थे उनका खुद का failure erupted in a form of nepotism. Karan Johar of the world and Kangana all of a sudden started trending on social media. इनको ये पता भी नहीं था ये लोग ट्रेंड किस वजह से हो रहे हैं। When I saw such trending post and people's anger, I thought to read it, and because you should be updated about what's happening in and around you. तो मतलब क्या हो रहा है, कुछ confirmation आ गई है death के बारे में। All that was coming to my head, and I thought maybe the police have concluded how he ended his life and under what circumstances. पर जब मैंने news channel देखे, the whole situation actually reminded me of a book called Sapiens by Yuval Noah. He's a world-renowned author. He explained how this spectacular animal called the Homo sapiens ruled the earth. The answer lies in the power of imagined reality. The only animal who can imagine influence a very wide community of beings. तभी ये स्लोगन जैसे अच्छे दिन आएंगे जो कि फ्यूचर टेंस की बात है is imagined and believed by millions. अब हमको एक इमेजिन्ड रियलिटी परोसी गई है नेपोटिज्म के बारे में, दैट इट क्रिएटेड प्रेशर एंड मेनी पीपल कैन नॉट हैंडल इट, लाइक सुशांत हिमसेल्फ। ही इज अ विक्टिम ऑफ सम फॉल प्ले मे बी द इंडस्ट्री, एंड आई थिंक ठीक है ऐसा हो सकता है, बट आई थिंक दे नीड टू डिग मोर एंड फाइंड आउट द ट्रूथ बिहाइंड इट। जब आप न्यूज को और गहराई से देखते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करती हैं। पहली बात, ही जस्ट बॉट हिज हाउस 3 to 4 months बैक, एंड देन व्हाई डिड ही टेक सच अ ड्रास्टिक स्टेप। हिज एक्स मैनेजर कमिटेड सुसाइड फ्यू डेज बैक, ही ऑल्सो कमिटेड सुसाइड हिमसेल्फ, नाउ हिज सिस्टर इन लॉ कमिटेड सुसाइड। व्हाई दिस चेन रिएक्शन ऑफ सुसाइड्स, नॉट ऑल वर सब्जेक्ट टू नेपोटिज्म। तो कोई की ऐसी चीज तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हो जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इस केस को सॉल्व करने के लिए या उस ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए जिसकी वजह से सुशांत ने मे बी इतना ड्रास्टिक स्टेप उठाया। सेकेंड पॉइंट, नेपोटिज्म की डेफिनेशन होती क्या है आखिर, इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि सब लोग तुक्के मारे जा रहे हैं। इट बेसिकली मीन्स यूजिंग पावर्स और इन्फ्लुएंस टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। मतलब नौकरी के इर्द गिर्द ये बात घूमती है। सो इट हैपन्स ऑल द टाइम अराउंड अस, इवन इन नॉर्मल जॉब जो आप और मैं करने जाते हैं, इट हैपन्स इन मेनी इंडस्ट्री, नॉट ओनली इन बॉलीवुड। तो क्या टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया विदाउट टेकिंग देयर नेम्स अपने बिजनेस किसी सीईओ के नाम कर दे जो कि उनके बेटे या बेटी से ज्यादा अच्छा बिजनेस चला सकता है? बिकॉज मिस हैंडलिंग ऑफ अ बिजनेस ऑफ सच अ लार्ज स्केल कैन इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, और ग्रोथ तक इम्पैक्ट हो सकती है। तो क्या उनको ये डिसीजन लेना चाहिए, फेयर चांस देना चाहिए? उसी लॉजिक से टॉप एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस शुड नॉट कीप देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एज देयर असिस्टेंट एंड कीप अ बेटर पर्सन फॉर द जॉब हु कैन गाइड देम, मैनेज देम एंड इवन मैनेज देयर एक्टर्स टाइम फॉर सक्सेसफुल एंड बेटर प्रोजेक्ट्स। जितना पैसा आएगा तो इकोनॉमिकल ग्रोथ सबकी होगी। उसी लॉजिक से फादर शुड नॉट मेक अ विल इन फेवर ऑफ हिज डॉटर और अ सन, बट टू समवन एल्स हु इज मोर डिजर्विंग टू ग्रो इट मे बी इवन फर्दर, इट इज अ फेयर चांस, और इवन गिव इट टू समवन हु इज मे बी मोर नीडी। सो बेसिकली व्हाट इट इंडिकेट्स इज दैट ऑल इंडिविजुअल शुड अर्न देयर ओन प्रिविलेज एंड इट शुड नॉट बिकम अ लेगेसी, एल्स अदर्स विल हैव एन इशू। क्या इशू है वो तो पता नहीं, पर लोगों को इस बात से इशू है कि लेगेसी की तरह क्यों आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है।
यार एक बात तो सच है, और चलो मैं भी मानता ही हूँ इस बात को कि नेपोटिज्म इन बॉलीवुड एग्जिस्ट फॉर श्योर। आई एम नो इनसाइडर बट मेनी हैव कंफर्मड इट ऑन कैमरा नाउ, सो इसके अंदर वो हिडन सीक्रेट तो नहीं है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के बेटे को लॉन्च करता है और किसी और मे बी स्ट्रगलिंग एक्टर जो कि होता है उससे बेटर एक्टिंग करता है और उसको नहीं करता। तो थोड़ा इस बात को हम समझते हैं, इस बिहेवियर को साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल एंगल से। We all are humans and our imagined reality works only when there is collaboration. And how does collaboration work? That works on a principle of give and take. People invest in building relationships all the time. एक producer की नजर से वो favor कर रहा है actually दूसरे actor के ऊपर, या हो सकता है वो favor return कर रहा हो जब भी उसके father या फिर grandfather ने उसके ऊपर कुछ एहसान किया हो। धीरे धीरे इस तरीके से camp भी बन जाते हैं क्योंकि comfort feeling हो जाते हैं, again it's a human behavior। या financial देखें तो हमें ऐसा लगता है कि bigger actors के बेटे या बेटी की movie की weight बहुत सारी दुनिया कर रही होती है। हम अपने दिमाग में ही actors की जो equity है automatically बच्चों को भी दे देते हैं। So it makes absolute sense for a producer to capitalize on this craze or interest of people from a financial reason and launch an actor, maybe actor's daughter and son instead of an unknown face. अननोन एक्टर्स की मूवी को ओपनिंग भी नहीं मिलती क्योंकि आप और मैं ही जाके उसको नहीं देखते हैं। डीपली सोचा जाए तो नेपोटिज्म इज आई थिंक इज नॉट अ नेसेसरी रियल इविल। द इविल इज व्हेन समवन प्रिविलेज्ड is sitting on a pedestal, treats the other person like shit. वो घमंडी हो जाता है और घमंड में बहुत सारी ऐसी चीजें बोल जाता है जो दूसरे के दिल पे लग जाती हैं। और being human जैसी चीजें मतलब नाम के लिए बस रह जाती हैं, उनका practical meaning कुछ नहीं रह जाता। So that is the real evil I think, treating people like shit. My friend also says that you might not remember the people but you always remember how you made them feel. तो अगर आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है वो व्यवहार नहीं भूलेगा चाहे आपकी शक्ल भूल जाए। सो द ग्रेटेस्ट लेसन इन हियर इज दैट इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर ह्यूमन एंड दे नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट पीपल। नेपोटिज्म इन इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि लाला का एक बेटा है जो कि बिजनेस चलाएगा और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बट लुक्स लाइक फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो नेपोटिज्म का जो स्केल है या स्कोप है वो लिमिटेड है। एक प्रोड्यूसर के नजरिए से अगर देखें तो किस हद तक वो एक लॉस बियर कर सकता है, कब तक वो एक फ्लॉप एक्टर के बच्चे को या बच्ची को खींच पाएगा, वो सिर्फ फर्स्ट चांस दे पाएगा। हम जनता ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो उसका करियर खत्म है। टैलेंट ही की है अल्टीमेटली। तो अगर हम लोग सोचे नेपोटिज्म का अगर एपिटोम इस इंडस्ट्री में होता जैसे कि भी बताया जा रहा है तो आदित्य चोपड़ा ऋतिक रोशन होता, अभिषेक बच्चन एक्चुअली में अमिताभ बच्चन होता, और शाहरुख खान, अक्षय कुमार, कार्तिक आर्यन, अरशद वारसी, जॉन इब्राहिम, विद्या बालन, विद्युत जामवाल, तारा सुतारा, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कंगना और खुद सुशांत एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो गाइज अगर हम लिस्ट बनाएं तो सेल्फ मेड पीपल की जो लिस्ट है वो गॉडफादर की लिस्ट से बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अगर हम थोड़ा इस कंफ्यूजन को और आगे लेके जाएं, नेपोटिज्म गलत है जिस तरीके के नजरिए से इसको देखा जाता है, तो सुनील दत्त को हमें संजय दत्त नहीं देना चाहिए था, धर्मिंदर को हमें सनी देओल नहीं देना चाहिए था, सलीम खान जी को हमें सलमान खान नहीं देना चाहिए था, और पृथ्वीराज कपूर को हमें राज कपूर नहीं देना चाहिए था, आमिर खान नहीं देना चाहिए था जिनकी मूवीज हम 300 करोड़ से भी ऊपर पहुंचा देते हैं। हियर द लेगेसी वॉज नॉट अज्यूम्ड बट टेकन फॉरवर्ड बाय दीज इंडिविजुअल्स। पॉइंट ये है कि प्रोड्यूसर से ज्यादा हम आप मानी जनता बहुत ही पावरफुल है। हम जानते हैं कि कौन कितने पानी में है जब हम उनको पर्दे पे देते हैं, उसी को हम बड़ा बनाते हैं जिसके अंदर टैलेंट है। कहाँ है बॉबी देओल या फिर लेट्स से अभिषेक बच्चन या फिर इमरान खान या फिर वो कुमार गौरव या पूजा भट्ट या पूजा बेदी, सब गायब हो चुके हैं क्योंकि वो हम लोगों को पसंद नहीं आए। तो एक चांस मिल सकता है, दो चांस मिल सकते हैं, बाकी आपका टैलेंट है। दिस सब्जेक्ट ऑफ सुशांत एंड नेपोटिज्म को ध्यान से आप लोग देखें और अपने विचार बनाएं, ना कि जो मीडिया हमें परोस रहा है या फिर उनको स्टोरीज जो आगे लेके जानी है या फिर हो सकता है उनका कुछ एजेंडा भी हो। बट येस, डिप्रेशन इज अ सीरियस इलनेस बट कैन बी हैंडल्ड ईजिली दीज डेज। सो बी विद योर फ्रेंड्स, बी विद योर फैमिली, कम्युनिकेशन इज द की। सो गाइज, मुझे पता है आज की कॉन्वर्सेशन थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है। डू शेयर योर कॉमेंट्स बिलो एंड शेयर योर थॉट्स। कुछ गलत लगे तो लेट्स हैव अ वेरी सिविलाइज्ड कॉन्वर्सेशन। ट्रोलिंग से कुछ मिलने वाला है नहीं, बस वर्ल्ड जो है डिवाइड हो जाता है और कोई सोल्यूशन तो मिलता नहीं है। और अगर आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।